डोनबास में रूसी फौज ने जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेनी फौज के सैन्य ठिकानों पर रूस की गोलाबारी हुई है। रूसी हमलों से मची तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरह से डोनबास में रूसी फौज तबाही मचा रही है। डोनबास में रूसी फौज ने जबरदस्त अटैक किया। यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर भीषण गोलीबारी की। कैमरे में रूसी फौज का यह हमला कैद हुआ। तस्वीरों में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने रूसी हमले के बाद खाक होते दिख रहे हैं। रूसी सैनिकों ने लगातार एक के बाद एक गोले बरसाए। खार्किव में रूस के हमलों के बाद काफी तबाही पहले ही हो चुकी है। रूसी दावों के मुताबिक खार्किव में सब कुछ खत्म हो चुका है। खार्किव की तबाही के बाद अब रूस ने डोनबास के इलाकों पर अपना पूरा फोकस रखा है। डोनबास में रूसी हमले का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेनी ठिकानों पर बारूद बरस रहा है। पुतिन की फौज डोनबास में जमीन से लेकर आसमान तक आग बरसा रही है। जहां जमीन पर रूसी टैंक डोनबास को तहस नहस करने पर जुटे हैं, वहीं आसमान से रॉकेट हमलों से डोनबास को कब्जे में करने की कोशिश चल रही है। एयर अटैक से दुश्मन के अड्डों को तहस नहस करने में रूस कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन डोनबास में यूक्रेन भी रूस और उसके समर्थक लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। डोनबास में यूक्रेनी सेना के कई ट्रेनिंग कैंप भी हैं, जहां भारी संख्या में यूक्रेनी लड़ाकों ने गोला बारूद जमा कर रखे हैं। और यूक्रेनी सेना ने रूस को ब्लैक सी में बड़ा नुकसान करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने दो रूसी रैप्टर पेट्रोलिंग बोट को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन के हमले में रूसी पेट्रोलिंग बोट बर्बाद हो गई। अब तक की जंग में यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस ने रूस को तगड़े झटके दिए हैं। चाहे वो जमीन की लड़ाई हो या आसमान और समंदर में, ब्लैक सी से रूस अपनी बेहतरीन रैप्टर पेट्रोल बोट्स के जरिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है। लेकिन यूक्रेन ने दावे किए हैं कि उसने कुछ रूसी रैप्टर बोट्स पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया। दोनों देशों की सेना समंदर में भी जंग लड़ रही है। एक दूसरे पर घात लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि ब्लैक सी में उसके ड्रोन ने दो रूसी पेट्रोलिंग बोट को तबाह कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि पहले यूक्रेन की सेना ने उनसे सरेंडर करने को कहा, उसके बाद जवाबी हमला किया गया। लेकिन रूस का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में उसके रैप्टर बोट बहुत कारगर और कामयाब साबित हुए हैं। रूस के दावों के मुताबिक उसके रैप्टर बोट्स ने यूक्रेन का काफी नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना ने दावा किया है कि 2 मई को यूक्रेन की तरफ से 3 हमले ड्रोन से किए गए। उसके बाद रूस की 2 रैप्टर बोट्स क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन अपने मजबूती के दम पर बोट्स ने समंदर में दुश्मन के ठिकानों की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।